सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है? कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वह अपनी सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं, यह थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करें सिंदूर कभी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आपसे दूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती की अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नवविवाहित कन्या इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें, तो यह गलतियां घर की महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागिन महिला को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर चढ़ती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उसे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा तनाव बना रहता है, तो यह जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए? सुहागिन, महिलाओं को हमेशा नाक के सिद्ध नहीं सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। घर की सफाई, अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है, तुझे काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। कंघी करना, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ दुष्ट हो सकती है। झाड़ू को ना मारे पैक कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर मारती है या लगाती है, वह कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे, झाड़ू को ना मारे पैक कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं माननी चाहिए। जिस घर में झाड़ू को पैर मारती है या लगाती है, वह कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे, खाना पकाना महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश ना करें, ना रखें। झूठे बर्तन, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और पढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा ही करती है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं था। यदि यह गरीबी और दुख का कारण बनता है, किसी को ना दे सिंदूर दानी सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस जिद्दी में या सिंदूर दान इसे आप सिंदूर लगाती हैं, वह आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाए तो केले में सिर पर पल्ला डालकर लगाए, जो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।